दोस्तों सब्सक्राइब करें टॉप वर्ल्ड वाइड क्रिकेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन दबाएं क्रिकेट की खबरें सबसे पहले पाने के लिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से भी बाहर हुए शिखर धवन, इस बल्लेबाज को मिला मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शिखर धवन को ज़रूर सपोर्ट करें। दोस्तों आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 100 लाइक का, जो कि बहुत कम है, आप लोग पूरा कर दीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों भारत वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज से टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन चोट की वजह से बाहर हो गए थे। धवन की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को T20 टीम में शामिल किया गया था। अब खबर आ रही है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज धवन वेस्टइंडीज के खिलाफ 15 दिसंबर से शुरू हो रही वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वनडे टीम में उनकी जगह किसे शामिल किया जाता है। शिखर धवन को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान बाएं घुटने में चोट लगी थी, एक गहरा कट उनके घुटने में लगा था। धवन को चयन समिति ने विंडीज के खिलाफ T20 और एक दिवसीय के लिए टीम में शामिल किया गया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो वनडे सीरीज से भी नहीं खेल पाएंगे। धवन को चयन समिति ने विंडीज के खिलाफ T20 और एक दिवसीय सीरीज के लिए टीम में शामिल किया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो वनडे सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे। पहला वनडे मैच रविवार को ही खेला जाना है। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज के 2 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें उसे एक में जीत और दूसरे मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। वहीं तीसरा मुकाबला आज बुधवार को मुंबई में खेला जाएगा। वहीं दोस्तों धवन को अगर वनडे टीम से बाहर रखा जाता है तो उनकी जगह संजू सैमसन, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ को मौका मिल सकता है। संजू सैमसन फिलहाल टीम के साथ ही हैं, ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। मयंक अग्रवाल ने भी टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन खेल दिखाया था। शुभमन गिल और बैन के बाद वापसी कर रहे पृथ्वी शॉ का भी नाम धवन की जगह शामिल होने वाले दावेदारों में है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट की अन्य तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज शाम 7 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में T20 सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच का लाइव प्रसारण आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क के TV चैनलों पर और हॉट स्टार ऐप पर देख सकते हैं। दोस्तों विराट की अगुवाई में जहां टीम इंडिया ने पहला T20 जीता था, वहीं दूसरे मैच में विंडीज ने बाजी अपने नाम की थी। मौजूदा T20 चैंपियन ने दोनों मैचों में बल्ले से ज़बरदस्त खेल दिखाया, वहीं दोनों ही टीमों के लिए उनकी गेंदबाजी चिंता का विषय है। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अब तक सीरीज में अधिक निराश किया है, ऐसे में तीसरे और आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में आइए एक नज़र डालते हैं उन संभावित 11 खिलाड़ियों पर जिन्हें मिल सकता है मौका। ओपनर्स की बात करें तो रोहित शर्मा सीरीज में अभी अपनी लय में नज़र नहीं आए हैं, लेकिन अपने घरेलू मैदान और IPL की पसंदीदा ग्राउंड पर वो एक बार फिर से फॉर्म में लौट सकते हैं। उनके साथ KL राहुल ही सलामी बल्लेबाजी करते नज़र आएंगे। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मध्यक्रम की जिम्मेदारी कप्तान विराट कोहली के कंधों पर होगी। श्रेयस अय्यर पिछले 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए, ऐसे में उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है। विकेटकीपर की बात करें तो दूसरे मुकाबले में ऋषभ पंत कुछ रंग में नज़र आए थे और 22 गेंद में 33 रनों की नाबाद पारी खेली थी, ऐसे में टीम में उनकी जगह पक्की रहेगी और विकेटकीपर का भी भार उन्हीं के कंधों पर होगा। ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर के रूप में दूसरे मैच में अपना पहला अर्धशतक लगाने वाले ऑलराउंडर शिवम दुबे की जगह पक्की है और उन पर टीम फिर से भरोसा जता सकती है। वहीं रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर में से किसी
एक को बाहर बैठना पड़ सकता है और उनकी जगह मनीष पांडे को जगह दी जा सकती है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो सीरीज के दोनों मुकाबलों में टीम की गेंदबाजी निराशाजनक रही है, खासकर तेज गेंदबाजों ने काफ़ी निराश किया है। ऐसे में भुवनेश्वर कुमार जहां अभी तक एक भी विकेट नहीं निकाल पाए हैं, वहीं दीपक चहर काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। ऐसे में चहर की जगह मोहम्मद शमी को मौका मिल सकता है। वहीं स्पिन गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल की जगह कुलदीप यादव को शामिल किया जा सकता है। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी और तीसरे T20 में ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग 11। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ऋषभ पंत, मनीष पांडे, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। प्लेइंग 11 के संबंध में आपके क्या राय है, आप अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा।